नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। रोज की तरह आज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहीं से एक करंट अफेयर्स का रिवीजन शुरू हो जाएगा कि किसको जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अगर आप गौर से देखें और थोड़ा सा न्यूज पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे पिछले कई महीनों के दौरान कई सारे राजदूत लगातार चेंज किए गए हैं। तो राजदूत और हाई कमिश्नर के बीच में क्या फर्क होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आज फिर बता दूंगा। फिलहाल चलते हैं करंट अफेयर्स की ओर। एक इंपॉर्टेंट न्यूज आपके सामने आ रही है। पहली जानकारी जो आज की है वो ये, उसको सुनकर आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि भारत जो है वो अमेरिकी प्रतिभूतियों के मामले में, यानी कि अमेरिकन सिक्योरिटीज के मामले में दुनिया के 12वें नंबर पर पहुंच गया है। बहुत कम समझ में आ रही है बात कि सर अमेरिकी प्रतिभूति ये क्या होता है, अमेरिकन सिक्योरिटीज क्या होता है। देखिए, सिक्योरिटीज एक इन्वेस्टमेंट का माध्यम होते हैं। जिस तरीके से आप जब पैसा कमाएंगे, या हो सकता है कि अभी आप कमा रहे हो, माफी चाहूंगा, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे तो आपको लगेगा कि आपका पैसा बैंक में पड़े पड़े सड़ रहा है, कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट कर दिया जाए। इसी प्रकार आरबीआई के पास भी जो विदेशी मुद्रा आती है, जो डॉलर वगैरह आते हैं, तो उसको वो इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट यानी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इन्वेस्टमेंट के दो सबसे चर्चित साधन उपलब्ध है, एक है डॉलर और एक है अमेरिकी प्रतिभूति। हालांकि इन पे मिलने वाला जो रिटर्न होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन ये सिक्योरिटी पर्पस से बहुत अच्छे रहते हैं। इसमें पैसा डूबने का जो चांसेस होता है वो बहुत कम होता है। थोड़ा सा नजर डालता हूं आपकी कि सिक्योरिटीज क्या होती है, बॉन्ड क्या होते हैं, स्टॉक क्या होते हैं। सबसे शुरुआत होती है म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक मैनेजर होता है जो आपसे पैसा लेगा और आपको कहेगा कि भाई अपना पैसा मुझे दे दीजिए, एक और आदमी से लेगा, एक और आदमी से लेगा, ऐसा बहुत सारे लोगों से पैसा लेगा और एक कैपिटल बनाएगा और उसको अपने मुताबिक इन्वेस्ट करेगा। और आप उस मैनेजर के ऊपर भरोसा करते हो क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं होती है, तो आप उसके जरिए पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो। इस तरीके से फंडिंग करने को म्यूचुअल फंड कहा जाता है, क्योंकि कई सारे लोग मिलकर एक जगह पैसा लगाते हैं और उनको मैनेज कोई और करता है, थर्ड पार्टी करता है। लेकिन जब आप खुद से कुछ करना चाहते हो तो आप स्टॉक लेते हो, जिसे आप शेयर भी कहते हो। स्टॉक लेने का तरीका होता है कि किसी कंपनी में गए, वहां के शेयर खरीद लिए, कंपनी घाटे में है तो ठीक है, मुनाफे में है तो ठीक है, आप प्रॉफिट शेयरिंग के हिस्से बन जाते हो। 10% आपने शेयर ले लिया तो 10% प्रॉफिट का आपको जो भी होगा वो आप बेयर करोगे, या 10% जो भी अगर नुकसान होगा तो भी आप बेयर करोगे। इसके अलावा एक और आता है जिन्हें सिक्योरिटीज कहा जाता है। सिक्योरिटीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट टूल होते हैं, बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं, मैं टेक्निकल टर्म में नहीं जा रहा, कि इन्वेस्टमेंट टूल ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल जिसमें पैसा डूबने का चांस ना हो, पैसा के बदले कुछ ना कुछ आपको जरूर मिले, तो वो आपको बॉन्ड और सिक्योरिटी यानी कि प्रतिभूति के जरिए मिलता है। बॉन्ड में ऐसा होता है कि आप जब किसी को लोन देते हो, किसी कंपनी को लोन दे दिया आपने कि मैं आपको 10 लाख रुपए आपने दे रहा हूं, आप 5 साल बाद मेरे को 10 लाख रुपए का इतना इंटरेस्ट के साथ मुझे दे देना, ये आपने पेपर पे कर लिया, ऑन रिटर्न पेपर पे हो गया, ये आपका बॉन्ड हो गया। सिक्योरिटीज भी इसी तरीके का होता है। सिक्योरिटीज में क्या होता है कि आप अपने मन से नहीं डिसाइड कर सकते कि आप कितना रुपया कंपनी को दोगे। जैसे अमेरिकन प्रतिभूति ने अपने बॉन्ड जो सिक्योरिटीज जारी किए होंगे, बॉन्ड सिक्योरिटीज जारी किए होंगे, $500, $1,000 इस तरह से जारी किए होंगे, उसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है मुझे, तो आप सिक्योरिटीज उनकी खरीद लेते हो। इससे क्या होगा, एक शपथ पत्र हासिल होता है आपको, जिसमें अमेरिकी सरकार या अमेरिकी प्रतिभूति बोर्ड जो है वो आपसे कहती है कि आपका पैसा मैं इतने दिन तक लूंगा और इतने समय के बाद इतने इंटरेस्ट के फॉर्म में आपको दे दूंगा। तो भारतीय गवर्नमेंट यानी कि भारतीय सरकार या भारत का जो केंद्रीय बैंक जब इन पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है, तो इधर देखा गया है पिछले एक साल के दौरान काफी तेजी से इन्वेस्टमेंट किया। कहां 20वें 24वें नंबर पर हुआ करते थे, अब हम 12वें नंबर पर आ गए। तो हाल फिलहाल इससे फायदा क्या होने वाला है, देखिए इससे फायदा ये होने वाला है कि कहीं ना कहीं हम विदेशी मुद्रा को सही ढंग से प्रयोग कर रहे हैं और अपना पैसा हम बचत में लगा रहे हैं। आप ऐसा कर समझ सकते हैं कि जब कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो हम सेविंग कर रहे हैं अपनी एक तरह से, तो इसमें हम सेविंग के मामले में लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, ये अच्छी न्यूज है। भारत अप्रैल के अंत में $157.40 करोड़ मूल्य की अमेरिकी प्रतिभूतियों के साथ सबसे अधिक अमेरिकी सरकारी बॉन्ड वाला दुनिया का 12वां देश बना है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के आंकड़े जारी किए मार्च महीने में भारत की अमेरिकी प्रतिभूतियां $156.50 करोड़ मूल्य की थी और अप्रैल माह में ये $90 करोड़ और बढ़ी। अप्रैल माह के अंत में जापान के पास सबसे अधिक $10.27 खरब की मूल्य की अमेरिकी प्रतिभूतियां हैं और इसके बाद चीन के पास $10.10 खरब मूल्य के, ब्रिटेन के पास $368.50 करोड़ मूल्य के अमेरिकी बॉन्ड है। आप समझ सकते हैं कि इनका इन्होंने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में कितना पैसा लगा रखा है। हमने भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में पैसा लगा रखा है, हम अमेरिकी अर्थव्यवस्था में पैसा लगाने वाले 12वें देश बन गए हैं।
अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। आप सभी को पता है कि भारत चीन, भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान सीमा विवाद लगातार चल रहा है। ऐसे में सेनाओं से बोला गया है कि आप लिस्ट बनाओ कि आपको कौन कौन से हथियार चाहिए, कौन कौन से एकदम आपको मॉडर्न हथियार चाहिए। उसके लिए भारत सरकार ने एक छोटा सा फंड जारी किया। छोटा सा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 500 करोड़ रुपए तीनों सेनाओं के लिए जारी किए गए। हाल फिलहाल सेना के लिए हम काफी सारा सैन्य खर्च करते हैं। सैन्य खर्च के मामले में जो भारत है वो विश्व का तीसरे नंबर का देश है, और 500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा अनुदान के रूप में जारी किए गए हैं जो बजट का हिस्सा नहीं थे। तो केंद्र सरकार ने लद्दाख में चीन के साथ जारी विवाद के बीच एक बड़ा फैसला लिया है। भारत सरकार ने तीनों सेनाओं को 500 करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड जारी किया। इमरजेंसी फंड ऐसा फंड होता है जिसको खर्च करने के लिए सेना को ज्यादा कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। उनको जिन भी हथियारों की जरूरत है वो उन्हें डायरेक्ट अपने स्तर पर खरीद सकेंगे। इससे सेना की सप्लाई तुरंत चालू हो जाएगी। ये अच्छा फैसला है। सेना इस फंड का उपयोग हथियार खरीदने के लिए कर सकेगी। दरअसल पूर्वी लद्दाख में चीन ने अपने सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ा रहा है। यह सेना को मिली एक बड़ी आर्थिक मदद है। तीनों सेनाओं ने पहले ही हथियारों उपकरणों की एक सूची तैयार करना शुरू कर दिया है जिनकी उन्हें आवश्यकता है, और कम से कम समय में उसे खरीद सकते हैं। इसके लिए इमरजेंसी फंड यानी आपातकालीन फंड जारी किया गया। भारतीय सेना अपने गोला बारूद के विस्तार के लिए आपातकालीन वित्तीय शक्तियों का उपयोग करने जा रही है। यानी कि आपातकाल में किसी सेना को यह अधिकार होता है कि अगर उन्हें कोई हथियार की जरूरत है या उन्हें किसी भी सहजो सामान की जरूरत है तो वो उसे हासिल कर सके। तो भारतीय सरकार ने जारी किए 500 करोड़ रुपए इमरजेंसी फंड के रूप में। नीति आयोग, दो चीजें इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड में, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है पढ़ने में आपको बहुत बोरिंग लगे लेकिन है इंपॉर्टेंट, खासकर उन बच्चों के लिए जो यूपीपीएससी या यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं। नीति आयोग ने भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम के सहयोग से एक डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना का शुभारंभ करेगा। डीकार्बोनाइजिंग का मतलब आप शब्द से समझ गए होंगे कि किसी तरीके से जो कार्बन का उत्सर्जन है उसको कम किया जा सके। ITF क्या है? ITF यहां पे नाम आ रहा है ITF, अंतरराष्ट्रीय परिवहन फोरम, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम का जो मेन काम है वो एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है, यानी कि सोचने विचारने वाले व्यक्तियों का समूह है कि किस तरीके से कार्बन के उत्सर्जन को कम किया जाए। उसके लिए सबसे बड़ा एजेंडा उन्होंने बना रखा है, सबसे जो उनका मोटिव है कि किसी तरीके से ट्रैफिक कंजेशन है उसको कम किया जाए, और ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए उन्होंने स्टेट ऑफ आर्ट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का सहारा लेना शुरू किया है कि किस तरीके से सड़कों को बनाया जाए, किस तरीके से सड़कों को व्यवस्थित किया जाए, किस तरीके से मोड़ों को व्यवस्थित किया जाए ताकि जो हमारा ट्रैफिक कंजेशन है वो कम हो सके। तो हाल फिलहाल वो अब इंडिया में भी होने जा रहा है, और इसके लिए अभी हाल ही में एक पहल हुई जिसमें ITF OECD के अंदर काम करता है। अभी बता देता हूं, OECD और आपका नीति आयोग ने इसमें पहल की। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत इसमें आए थे, और ITF के जो हेड हैं उनका नाम यहीं कहीं लिखा हुआ है, हाँ, ITF सेक्रेटरी जनरल यंग टाई किम जो है वो इसमें साथ आए थे। यह परियोजना भारत में कम कार्बन परिवहन प्रणाली की ओर, यानी कि हम किस तरीके से अपना जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम कर सके, हमें उस ओर ले जाएगा। हो सकता है कि हम इस तरह के पहल करें तो आपको कुछ समय में एक नया ट्रैफिक रूल देखने को मिले, एक नया ट्रैफिक सिस्टम देखने को मिल सकता है। यह भारत में एक टेलर निर्मित परिवहन उत्सर्जन मूल्यांकन ढांचा तैयार करेगा, यानी कि एक इसको पायलट फॉर्म में लॉन्च किया जाएगा जो वर्तमान कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के साथ साथ भविष्य की परिवहन गतिविधियों का व्यापक समझ के साथ सुविधा प्रदान करेगा। परियोजना डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स परियोजना का हिस्सा है। ये हमारे अलावा भी कई देशों में लागू है जिनमें अर्जेंटीना, अजरबैजान, मोरक्को और भारत जैसे विभिन्न विश्व के बड़े देश शामिल हो रहे हैं। ITF की बात करें तो मैं ITF की वेबसाइट पर पहुंचा और ITF की वेबसाइट में एक पहल लॉन्च दिखाई जा रही थी, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम की वेबसाइट है, और यहां पर उन्होंने इसके बारे में बताया था कि इसको कब शुरू किया गया है। इसको 24 जून को 13:30 मतलब 1:30 पर शुरू किया गया है, और ये 5 दिन तक चलाया जाएगा ताकि इसके जरिए लोगों को जागरूकता हासिल की जा सके। OECD के अंतर्गत काम करने वाला यह संस्था है ITF, इसी के मुख्यालय का यूज करता है। इसका मुख्यालय पेरिस में है। OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है जिसमें वर्तमान में 36 देश हैं, 35 नहीं 36 देश हैं, और यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1960 में आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। अगर आपस में कहीं पर भी व्यापार का कॉन्फ्लिक्ट आता है, यानी कि दो देशों में व्यापार से जुड़ी हुई कोई मुद्दे होते हैं, तो उनको इस संगठन के जरिए सॉल्व किया जा सकता है।
वर्तमान समय में इसके हेड है एंजल गुरिया, जो अपने तीसरे कार्यकाल में चल रहे हैं। 5 साल का कार्यकाल होता है इसके चेयरमैन का। एंजल गुरिया वर्तमान समय में इसके हेड है OECD के, जो अपने तीसरे कार्यकाल में चल रहे हैं, यानी कि लगातार 15 सालों से वो इस ग्रुप में बने हुए हैं। 2006 में वो अपॉइंट हुए थे, अभी तक चल रहे हैं। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। फ्रांस की सरकार भारत को COVID-19 से लड़ने के लिए 200 मिलियन यूरो का ऋण देने को तैयार हो गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इसने समझौते के साथ, फ्रांस का उद्देश्य COVID-19 संकट के मद्देनजर भारत के जो सबसे कमजोर लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको सहायता पहुंचाना है। विश्व बैंक ने भारतीय अधिकारियों के साथ मिलकर भारत को उठाए जा रहे मौजूदा सामाजिक सुरक्षा उपायों के अनुकूलन और विस्तार के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है। इस प्रोग्राम का सबसे ज्यादा धनदाता विश्व बैंक होगा। विश्व बैंक एक विशिष्ट संस्था है, इसका मुख्यालय Washington DC में है और इसका उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी और इसका मुख्यालय Washington DC में है। वर्तमान समय में इसके हेड है डेविड मालपास और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर अभी हाल ही में हमारी बनाई गई अंशुला कांत चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। यहाँ पर जो SBI की आपकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी, उनको अभी यहाँ पर एज ए CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का पद प्राप्त हुआ है अंशुला कांत को। पिछले साल ही ये अपॉइंटमेंट हुआ। अगली जानकारी है विजय खंडूजा। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था कि जिम्बाब्वे के नए राजदूत कौन बने हैं, तो जिम्बाब्वे के नए राजदूत बनाए गए हैं विजय खंडूजा। वर्तमान में विदेश मंत्रालय के निदेशक विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। उनके शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण करने की उम्मीद है। रुंगसुंग मसाकुई जिम्बाब्वे गणराज्य के राजदूत के रूप में सेवा कर रहे थे और उनको 12 मई 2016 को नियुक्त किया गया था और अब हाल फिलहाल उनकी जगह जा रहे हैं विजय खंडूजा। पिछले कुछ समय से जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं एज ए सेक्रेटरी, उनके बारे में फिर से हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। कई बार चर्चा हो चुकी है। बहरीन में भेजे गए हैं पीयूष श्रीवास्तव। आप याद कैसे कर सकते हो, आप पहले खुद से याद करने की कोशिश करो बिना यहां देखे। कतर में कौन भेजे गए हैं, कतर में दीपक मित्तल, और श्रीलंका में गोपाल बागले, नेपाल में विनय मोहन क्वात्रा, कनाडा अजय विशारिया, USA तरनजीत सिंह सिंधु, टर्की संजय कुमार पांडा, फ्रांस जावेद अशरफ, नाइजर श्री प्रेम कुमार नायर, ब्रिटेन गायत्री ईश्वर कुमार, पपुआ न्यू गिनी ये पिछले महीने हुआ है सुशील कुमार सिंगल, फिनलैंड रवीश कुमार, कुवैत सीवी जॉर्ज, और यहां पे स्विट्जरलैंड की मोनिका कपिल मोहता। कहीं कहीं पर मेहता भी लिखा मिला है लेकिन मुझे मोस्ट ऑफ द साइट पर मोहता ही देखने को मिला है। स्विट्जरलैंड में मोनिका कपिल मोहता, रोमानिया में राहुल श्रीवास्तव, और पिछले हफ्ते शंभु एस कुमारन को फिलीपींस भेजा गया है। और अब जिम्बाब्वे की बारी। जिम्बाब्वे में किसको भेजा गया है, फिर से एक बार देख लीजिए, विजय खंडूजा को। अगली जानकारी है, तस्वीर आप देखकर पहचान ही गए होंगे, कौन नहीं जानता भाई इन्हें, अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा को आयुष मंत्रालय में योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए और वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ करने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा अभिनेत्री आयुष अनुष्का शर्मा को चुना गया है। योग दिवस अभी हमने मनाया 21 जून को। इस बार जो उसकी थीम थी वो क्या थी, घर पर योग परिवार के साथ योग। आयुष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योगा करके एक ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की है और लोगों से 21 जून 2020 तक अपनी प्रविष्टियों को भेजने का आग्रह किया था ताकि आप योगा के बारे में जो कुछ भी आप लिख सकते हैं वो लिखिए, और इसके लिए उन्होंने अनुष्का शर्मा जी का सहारा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ग्रीष्मकालीन संक्रांति पर आयोजित किया जाता है जो हर साल 20 से 22 जून के बीच आता है। इस दिन सबसे बड़ा होता है, दिन की अवधि जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। इसे समर सोलिस्टाइस कहते हैं। और इसके अलावा एक और न्यूज आपको जरूर पता होनी चाहिए और मुझे लगता है पता भी होगी कि दिया मिर्जा को वापस से एक बार फिर UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के लिए गुडविल ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। इसके लिए कोई पैसा नहीं मिलता है लेकिन हाल फिलहाल संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए दिया मिर्जा को भारत की तरफ से गुडविल एम्बेसडर चुना गया था और यह उनका दूसरा कार्यकाल है एज ए गुडविल एम्बेसडर। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, यह है मनसुख मंडाविया। जहाजरानी और रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारत के सबसे पहले और सबसे बड़े वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का शुभारंभ किया है। ये क्या होता है सर, वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो? देखिए, हेल्थ केयर से जुड़ी हुई कई सारी चीजें होती हैं, जैसे आपका सैनिटाइजर, मास्क, सैनिटरी पैड्स वगैरह, ये सब हेल्थ केयर से जुड़ी हुई होती हैं और हाइजीन चीजें होती हैं जो आपको दूर रखती हैं।
तो इसके जरिए एक आप ये समझ लो इस तरह का जो एक्सपो प्रदर्शनी लगाई गई है, कौन कौन सी चीजें भारत के अंदर उपलब्ध हैं, कौन कौन सी कंपनियां उन्हें बना रही हैं, और सभी कंपनियों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, उससे क्या होगा लोगों में इसके बारे में जागरूकता बढ़ेगी और लोग उनका इस्तेमाल करना सीखेंगे। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि कौन कौन सी चीज, जैसे सैनिटाइजर, मुझे नहीं लगता, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं कि अगर मैं कहीं बाहर गया था कोरोना से पहले, मतलब कि जब ये कोविड-19 शुरू हुआ उससे पहले मैं कभी कहीं बाहर गया था, बाहर जाने का मतलब कभी मैंने अगर ट्रेन वगैरह में यात्रा की है तो जरूर एक छोटा सा लाइफबॉय वाला वो सैनिटाइजर आता था वो प्रयोग किया था, अलावा इसके अलावा मैंने कभी सैनिटाइजर प्रयोग नहीं किया, अपने हाथ को धोता रहा वो अलग चीज है, कभी भी शायद मैंने इतना हाथ अपनी पूरी जिंदगी में नहीं धुला होगा जितना आजकल हम लोग धो रहे हैं। तो ये विडंबना है कि कोरोना ने हमें हाथ धोना सिखा दिया, फिलहाल जो के पार्ट, ये पार्ट अलग करते हैं इसको। हाँ, तो हाल फिलहाल मैं बात कर रहा था कि इस एक्सपो का आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडिया चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा किया गया है। इस अनूठी प्रदर्शनी को आयोजित करने का उद्देश्य स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे प्रयासों को बढ़ावा देना। एग्जैक्टली मैं यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा था। तो ये प्रदर्शनी किसने आयोजित की है? जहाजरानी रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने। दिक्कत यहां पर यह हो जाएगी कि ये प्रदर्शनी जो स्वच्छता से शुरू होगी तो हमको लगेगा जैसे कि यह स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू की है, नहीं, ये शुरू की है जहाजरानी रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मनसुख मंडाविया ने। यह भारत की पहली सबसे बड़ी वर्चुअल प्रदर्शनी है जो एक नई शुरुआत है, और यह प्रदर्शनी आपकी 21 जून से शुरू हुई है और ये चलेगी आपकी 26 जून तक। इसमें पीवी सिंधु जी भी आई हैं और उन्होंने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया था। उन्होंने बताया कि भाई अपने आप को अगर आप फिट रखेंगे तो आप ज्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं। सरकार देश में एक बल्क ड्रग पार्क और एक मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने जा रही है ताकि जितनी भी मेडिकल डिवाइसेज है वो उस पार्क में जाकर आप देख सकें। पार्क का मतलब ये नहीं कि आप वहां पर टहलने जाएंगे, पार्क का मतलब उन सभी का एक जगह मॉल टाइप का बना दिया जाएगा, एक जगह प्लेटफॉर्म टाइप का बना जाएगा, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हो। तो फिलहाल ये वर्चुअल आयोजित की गई है। इस प्रदर्शनी का नाम वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो है। अब आप कहेंगे सर इसको आयोजित कहां किया गया? तो इसको वैसे तो आयोजित किया गया है झांसी से, मतलब इसका जो टेलीकास्ट हुआ है वो झांसी उत्तर प्रदेश से हुआ है, लेकिन आप इसे दिल्ली से ही समझ लीजिए ज्यादा बेटर है क्योंकि वर्चुअली आयोजित की गई है। अगर शायद कहीं पर मेला वगैरह लगा होता तो हम इसके देखने जाते कि हाँ इस जगह पर लगा हुआ है, तो ये वर्चुअली आयोजित किया गया है। ठीक है, चलिए अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। अच्छा, फिक्की की बात करें, फिक्की क्योंकि इसका ऑर्गेनाइजर रहा तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की भारत का एक व्यापारिक संगठन है। इसकी स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठक्कर द्वारा की गई थी। 1927 में कर्मचारियों की संख्या 500 है और लगभग 2.5 लाख से अधिक कंपनियां इसके साथ जुड़ी हुई हैं। वर्तमान समय में इसकी हेड है संगीता रेड्डी जी, जिनको दिसंबर 2019 में कार्यभार सौंपा गया है। नैनालाल किदवई, ये नाम आपने सुना है, नैनालाल किदवई जो है ये पहली प्रेसिडेंट रही है, अध्यक्ष रही है फिक्की की। अभी एक एग्जाम हुआ, अभी तो नहीं हुआ मतलब काफी समय हो गया उस एग्जाम को हुए, तो उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फिक्की की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, नैनालाल किदवई। ये क्वेश्चन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। आगे चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है, इसरो को एक पेटेंट मिल गया है। वैसे इस पेटेंट के लिए इसरो ने 2016 में अप्लाई किया था और अब जाके इसको पेटेंट मिला है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसके लिक्विड कूलिंग और हीटिंग गार्मेंट के लिए पेटेंट प्राप्त हो गया है। विशेष परिधान जैव संगत कपड़ों से बना हुआ है और तापमान को नियंत्रित करने के लिए कपड़ों के बाहर तरल पदार्थ को नियंत्रित करने के लिए एक प्रणाली लगी हुई है। यह अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में इसे पहनने के लिए एक आरामदायक तापमान प्रदान करेगा, यानी कि आप एक लिक्विड फ्लो करेगा पूरे ड्रेस के ऊपर और वन सूट होगा, मतलब कि आप इसे चेन के तरीके जैसे अंतरिक्ष सूट होता है वैसे पहन सकते हो। फायर फाइटिंग की जाती है, वहां पे भी गर्मी काफी ज्यादा हो जाती है तो वहां पे भी इस सूट को प्रयोग किया जा सकता है। तो इसरो को हाल फिलहाल इसके लिए पेटेंट मिला है। इसके लिए पेटेंट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आप इसरो को मई में जो पेटेंट मिला था वो काफी इंपॉर्टेंट था। मई में इसरो को एक पेटेंट मिला था, इंडियन पेटेंट ही मिला है, इंटरनेशनल पेटेंट नहीं मिला है, भारतीय पेटेंट ही है। देश में बनी चांद जैसी मिट्टी को इसरो को मिला पेटेंट। चंद्रयान 2 मिशन के दौरान इस मिट्टी को बनाया गया था। चंद्रयान 2 में विक्रम रोवर था, तो आपको पता है कि चंद्रयान 2 में रोवर को वहां पर उतारने की लैंडर के जरिए विक्रम लैंडर था, प्रज्ञान रोवर था, उसको चंद्रमा की सतह पर उतारने की योजना थी। इसके लिए यहीं पर चंद्रमा जैसा माहौल बनाया गया, तो चंद्रमा जैसी मिट्टी की आवश्यकता थी। नासा के पास है, हम चाहो तो मंगा सकते हैं लेकिन बहुत महंगी बेचता है, तो यहाँ पे इसरो ने सोचा कि चलो हम खुद का बनाते हैं और इन्होंने खुद की मिट्टी एक तैयार की। वैसे चंद्रमा में दो तरह की सतह होती है, चंद्रमा की सतह दो तरह की होती है, पहली को हाईलैंड कहा जाता है और दूसरी को मेयर कहा जाता है। तो हाईलैंड जैसी मिट्टी ही हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं क्योंकि इसकी जैसी मिट्टी इसरो ने तैयार की थी।
चंद्रमा का 83% भाग हाईलैंड का ही है। हाईलैंड क्या है? चंद्रमा में दो तरह की सतह, एक हाईलैंड और एक मेयर। दूसरी है मेयर, चंद्रमा पर दिखने वाले काले गड्ढों के भीतर की सतह को मेयर कहा जाता है। इसमें आयरन, मैग्नीशियम और टाइटेनियम होता है। बहुत कम देश हैं जिन्होंने चंद्रमा की हाईलैंड सतह को आर्टिफिशियल तौर पर अपने देश में ही तैयार किया है और भारत उसमें से एक है। अगली जानकारी पे चलेंगे लेकिन न्यूज फटाफट के फॉर्म में। सुप्रीम कोर्ट ने पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को शुरू करने की अपनी परमिशन को वापस लेते, पहले उन्होंने मना कर दिया था लेकिन फिर बाद में उन्होंने कुछ सीमित लोगों के साथ या कुछ सीमित लिमिटेशंस के साथ इसकी आज्ञा दे दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 22 जून 2020 को उड़ीसा में अधिकारियों को पुरी में भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा आयोजित करने की अनुमति दे दी। इसके बाद से उड़ीसा के पुरी और गुजरात के अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 500 से अधिक लोगों को रथ खींचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने रथ को यात्रा को निकालने पर दूसरी बार सुनवाई करते हुए अनुमति दी थी। पुरी के राजा गजपति महाराज रथ यात्रा में भाग लेने के लिए पुरी के जगन्नाथ मंदिर पहुंच गए हैं। वो छेड़ा पहरा की रस में निभाएंगे। इस दौरान वो रथ पर झाड़ू लगाते हैं और जिसमें सोने का हैंडल लगा होता है। तो उड़ीसा के पुरी से शुरू हो गई जगन्नाथ यात्रा। इंटरनेशनल विडोज डे ऑब्जर्व किया गया 23 जून को। हर साल 23 जून को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। यह दिन व्यापक रूप से विधवाओं की आवाजों और उन्हें होने वाले अनुभवों के ध्यान आकर्षित करने के लिए और उनके द्वारा किए जाने वाले अद्वितीय समर्थन को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। लुम्बा फाउंडेशन द्वारा 2005 में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस को मनाए जाने की शुरुआत की गई थी, इसलिए 23 जून 2010 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे आधिकारिक रूप से मान्यता मिल गई। अगली जानकारी है, वर्ल्ड ओलंपिक डे 23 जून को सेलिब्रेट किया गया। इसके लिए एक 24 घंटे का डिजिटल वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसमें सभी एथलीट जो है वो वर्कआउट करते हुए नजर आ रहे हैं। ओलंपिक दिवस पहली बार 23 जून 1948 को मनाया गया था। पिछले 20 वर्षों से ओलंपिक दिवस पूरी दुनिया में ओलंपिक डे रन के साथ जुड़ा है। इस दिन रन किया जाता है लेकिन इस बार कोविड-19 के महामारी की वजह से यह रन नहीं हो पाया। तो एक वीडियो बनाया जा रहा है जिसमें लगातार 24 घंटे तक लोग वर्कआउट कर रहे हैं। अगली जानकारी है, लॉरेन बोकवी लेट को विश्व एथलेटिक्स यानी कि IAAF का नाम चेंज करके अब क्या हो गया है, वर्ल्ड ए एथलेटिक्स हो गया है। IAAF यानी कि इंटरनेशनल एथलेटिक एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, इसका मुख्यालय मोनाको में है। उसको डेवलप करने के लिए ग्लोबल डेवलपमेंट बनाए गए हैं, ग्लोबल डेवलपमेंट के किसी तरह से एथलेटिक्स का प्रचार किया जा सके। तो विश्व एथलेटिक्स ने 22 जून को घोषणा की है कि लॉरेन बोकवी लेट को वैश्विक विकास डेवलपमेंट का यानी कि ग्लोबल डेवलपमेंट प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया है। लॉरेन बोकवी लेट ने अपना पूरा कैरियर एथलेटिक्स में विविध प्रकार की भूमिकाओं में और हाल ली में यूरोपीय एथलेटिक चैंपियनशिप पेरिस 2020 के CEO के तौर पर बिताया है। अगली जानकारी है, अमेरिकी सरकार का बड़ा फैसला, H1B वीजा पर लगा दी है रोक। इसके अलावा उन्होंने H18, H4, H2B और J वीजा पर रोक लगा दी है, यानी कि किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति वहां पर प्रवेश नहीं कर सकता। H1B वीजा अमेरिकी कंपनियों को ये अनुमति प्रदान करता था कि वो किसी वैश्विक पेशेवर को अपने यहां काम पर रख सकते थे और उसके लिए वीजा जारी कर सकते थे, जबकि जो जे वीजा है वो उन लोगों के लिए जारी किया जाता था जो सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जाते थे। तो यहां पर ना तो परमानेंट ना तो टेम्परेरी आप किसी भी रूप में अब अमेरिका में प्रवास नहीं किया जा सकता। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में H1B वीजा सहित अन्य विदेशी वर्किंग वीजा पर रोक लगा दी है। आप विजिट करना चाहते हैं, आप घूमने जाना चाहते हैं, उसके लिए अलाउ है, लेकिन अगर आप वर्किंग परमिट चाहते हैं किसी भी तरीके का तो वो आपको नहीं मिलेगा। अमेरिका में बढ़ रही बेरोजगारी को देखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने यह फैसला लिया है। यह रोक इस साल के अंत तक कायम रहेगी। H1B वीजा गैर प्रवासी वीजा है। अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की। अप्रैल 2020 के अंत में अमेरिकी सरकार की प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक कौन सा देश है? तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, जापान। भारत 12वें नंबर पर है। किस संगठन को इसके लिक्विड कूलिंग और हीटिंग गारमेंट्स के लिए अभी हाल ही में पेटेंट प्राप्त हुआ है? इसरो को। इसरो के हेड कौन है? जी सतीश रेड्डी। डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया किसने लॉन्च किया है? तो नीति आयोग और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। भारत का सबसे बड़ा पहला वर्चुअल हेल्थ केयर हाइजीन एक्सपो किसने शुरू किया? फिक्की ने। अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को।
फिक्की के हेड कौन है? चेयरपर्सन है संगीता रेड्डी। केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं को कितने करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड जारी किया है? 500 करोड़ रुपए का। फ्रांस ने भारत की कोविड 19 प्रतिक्रिया, ये कोविड 19 रिस्पॉन्स को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ 200 मिलियन यूरो के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। किसको जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? विजय खंडूजा जी को। योग के अभ्यास को बढ़ावा देने और वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ करने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा किसको चुना गया है? अनुष्का शर्मा को। किसको वैश्विक विकास प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो वो है लॉरेन बोक्विलेट। वर्ल्ड एथलेटिक्स में एक शब्द और आगे ऐड कर लीजिएगा। अब बारी है आज के क्विज की। अप्रैल 2020 के अंत में अमेरिकी सरकार की प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक कौन सा देश बना है? तो वह है जापान, जबकि 12वां सबसे बड़ा देश जो है वो भारत है। डी कार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, किसी तरीके से इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट है उसको इस तरीके से मेंटेन करना कि जो कार्बोनाइजेशन है यानी कि जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम किया जा सके, ये जो पहल है ये नीति आयोग और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम द्वारा मिलकर चलाई गई है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? यह हर साल 23 जून को मनाया जाता है। भारत का पहला सबसे बड़ा वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो कहां आयोजित किया गया, किसने आयोजित किया? तो नीति आयोग फिक्की, देन द राइट आंसर हमारा हो जाएगा फिक्की द्वारा इसको आयोजित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस भी आपका 23 जून को ही मनाया जाता है। किस संगठन को इसके लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है? एक ऐसा गारमेंट बनाया है जिसके लिक्विड से टेम्परेचर बैलेंस किया जा सकेगा, तो ये इसरो ने बनाया है। केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं को कितने करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड जारी किया है? तो अभी हाल फिलहाल 500 करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड जारी किया गया है। किसने भारत की कोविड 19 रिस्पॉन्स को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ 200 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह है फ्रांस। किसको जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो वह है विजय खंडूजा। योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ करने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा किसको चुना गया है? तो वो है अभिनेत्री अनुष्का शर्मा। किसको वैश्विक विकास के प्रमुख यानी कि ग्लोबल डेवलपमेंट फॉर वर्ल्ड एथलेटिक्स के तौर पर चुना गया है? तो उनका नाम है लॉरेन बोक्विलेट। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उम्मीद करते हैं ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखता हूं, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।